वेलकम टू बैक एकेएस लर्णिंग एकेएस लर्णिंग आपण मन को स्वागत आम एकेएस लर्णिंग प्लाटफर्म प्रतिदिन संध्या सतटे क्लास नाइन्थ क्लास हुए जदि आप सहित जोड़ा चाहूँ तो यथाशीघ्र आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और पाखे बेल आइकन को दबाई दिंतु तासत ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करूँ जहाँद्वारा एक प्रकार एजुकेशन वीडियो सर्वप्रथम आपर ओके तो चलो आम चैप्टर आम स्टार्ट करवा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर गोटे मैटर रे जो पार्टिकल गुड़िक थाए परस्पर अट्रैक्ट करते आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ते जे कौन पढ़ते ना मैटर विषय पढ़ते मैटर क्या कहला ना गोटे ऑब्जेक्ट जार मास थी एंड वॉल्यूम थी तो जार दीड जगह थी आम मैटर कहते मैटर गोटे कंटिन्यूस अटे ना नंबर ऑफ पार्टिकल समाहार अटे नंबर ऑफ पार्टिकल समाहार अटे सपोज यह हूँ एक मैटर तो ये बहुत सारा पार्टिकल थाए तो ये जो पार्टिकल गुड़ थाए ये पार्टिकल पार्टिकल भितर किसी गैप भी थाए किसी खाली जगह किसी स्पेस भी थाए ये समस्त पार्टिकल परस्पर परस्पर को आट्राक्ट बा आकर्षण करती तो किपर करती से विषय देखा ताप एक आक्टिविटी दे देख कौन आक्टिविटी ना निजर स्कूल फिल्ड में जो पिलामाने अच्छा परस्पर भितर चारोटी ग्रुप हो जातु चारोटी ग्रुप रु प्रथम ग्रुप कौन करेंगे ना ये पिक्चर रे जो प्रकार दर्शाई परस्पर हाथ को हाथ और कांध को कांध छंदा छंदी हो ठिया हे दुई नंबर ग्रुप कौन करेंगे ना केवल हाथ को हाथ धरिकी ठिया हे तीन नंबर ग्रुप कौन करेंगे ना केवल आंगुड़ी को टच करेंगे परस्पर परस्पर आंगुड़ी टच करी ठिया हे चार नंबर जो ग्रुप रे से कौन करेंगे ये जो तीनोटी ग्रुप रे एम को भांगिया भांगे चेष्टा करें अच्छा कहले जो चार नंबर ग्रुप वाला को क्यों ग्रुप को भांगा को अति सहज हे आंसर आस ओबियसली तीन को कारण तीन ग्रुप रे केवल आंगुड़ी आंगुड़ी को आंगुड़ी केवल स्पर्श करके टच करते तेणु एम को भांगाटा बहुत सहज हे कठिन कौटा हम ना ग्रुप एक कहीं ग्रुप एक पार्टी मैंने देखो तो पिक्चर देखला भाया कांधु कांध और हाथ हाथ छंदा छंदी अच्छा तो एमकर आट्राक्शन बल बहुत अधिक अटे तो से हिसाब से जब आम ग्रुप एक ग्रुप दुई और ग्रुप तीन एम को जब आम गोटे गोटे मैटर बल धरवा तो ग्रुप एक मैटर जो पार्टिकल गुड़िके जो मैंने होंगे पाने तो से पाने रूपक पार्टिकल गुड़िक परस्पर को स्ट्रंगली धराधरी होती स्ट्रंगली आट्राक्ट करें से भाग करा बहुत कष्ट ग्रुप दुई रे जो मैंने कि गोटे गोटे पार्टिकल अटंती तो से परस्पर को केवल हाथ हाथ धराधरी होती तो यमर आट्राक्शन बल एक नंबर आट्राक्शन बल ठीक दुर्बल आसो आ तीन नंबर कौन करते ना पार्टिकल गुड़िक परस्पर परस्पर केवल टच करते तेनालीर आकर्षण बल बहुत दुर्बल अटे तो यूक अलग करा बहुत सहज हे अर्थात जो मर आट्राक्शन बल बहुत अधिका थी से अलग करा बहुत कष्ट हे आम पार्टिकल गुड़िक आट्राक्शन बल दुर्बल थी से अलग करा बहुत सहज हे तो ये प्रकार एक्टिविटी 1.6 दे ओके यहाँ मुझे रिपिटेशन भाव पढ़ूनी ये सीधा सला आम जा एक्टिविटी 1.7 एटार कौन देख गोटे आयरन नेल नियो बा लुहा गोटे छुंची नियो गोटे चॉक नियो आ गोटे रबर बैंड भी नियो रबर बैंड अर्थ कौन यह हूँ रबर बैंड ओके ट्राए ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग कटिंग एंड स्ट्रेचिंग जो नेल चॉक एंड रबर बैंड नहीं आम बाड़ेक भांगे चेस्टा करवा काटिकी भांगे चेस्टा करवा सहित झिका झिकी कर भांगे चेस्टा कर इन व्हिच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स जो तीनोटी पदार्थर ना पड़े अच्छा कहले ये पदार्थ परस्पर को पूरा जोर से टाण टाण होते पूरा अधिक ग्रेड फोर्स लगे परस्पर टाण टाण होते तो आंसर कौन आसो आंसर ओब्वियसली नेल आसो अर्थात नेल रो पार्टिकल गुड़िक परस्पर को बहुत जोर से टाण टाण होती तेणु तेणु नेल को भांगाटा बहुत कष्ट अधिक परिश्रम पड़ा पड़े भांगा पड़े देखिए एक्टिविटी 1.8 टेक सम वाटर इन ए कंटेनर गोटे कंटेनर देवा बा गोटे जगह नवा से कि आम पानी नवा एवं निजर आंगुड़ी साहय से पानी गुड़ को
काटिया पे चेष्टा करो अर्थात कंटेनर जो पानी अच्छे से पानी गुड़ को निजर आंगुड़ी साहज रे से पानी गुड़ को काटिया पे चेष्टा करो। विल यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर तो पानी रो जो सरफेस थिला ताकु तुम्हें काटिया पे सक्षम होलो कि बा काटि पारलो कि तो आंसर आछ नो कहीं पानी को आम के काटि पारिया कि गोटे टेप रे जो पानी पड़ुथबो आमे कौन करा टेप रो पानी को पानी रो मझे आम हाथ को एपोर्ट साइड टू सेपोर्ट साइड को नेबा ता बोले कौन पानी रो धारा कौन कटि जाए कि कटि जाए ना सेमिति प्रवाहित होता है। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर तो आम के काटे चेस्टा कले पुनर्बार पानी रो सरफेस टी जोड़ी हो जाए बा पूर्ववस्था को पलाए तो एमती कहीं हुए तार रीजन आम देखा उपर जो 1.6 1.7 एंड 1.8 एक्टिविटी देखिले से एक्टिविटी गुड़िक आमको सजेस्ट कर दर्शाऊे मेटर पार्टिकल गुड़िक भी फोर्स अच्छी अर्थात मेटर पार्टिकल गुड़िक परस्पर को आट्राक्ट करती जहाँकू से फोर्स बोली कह जाए तो जो मेटर पार्टिकल गुड़िक परस्पर को जोर से टंटाणे हमें से फोर्स बहुत अधिका जो मेटर पार्टिकल गुड़िक परस्पर को दुर्बल टंटाणे हमें से विक् फोर्स अच्छे आम कहीपर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर तो भिन्न भिन्न मैटर पार्टिकल पार्टिकल गुड़िकर अट्रैक्शन फोर्स गुड़ा भिन्न भिन्न अटे अर्थात सपोज गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी गोटे मैटर अच्छे आ गए ऑब्जेक्ट अच्छी मैटर जहाँ ना हो तो ए मैटर में जो पार्टिकल गुड़िक थी बी मैटर में आउ किसी पार्टिकल गुड़िक थी तो यही पार्टिकल गुड़िकर अट्रैक्शन फोर्स आउ बी पार्टिकल गुड़िकर अट्रैक्शन फोर्स सेम आसीबो नाही अलग अलग आसीबो। ओके अच्छा देखो ये किसी क्वेश्चन देछि से क्वेश्चन रो आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स रे टाइप करिवो। ओके जदि न आसु तबे मु नेक्स्ट क्लास रे आंसर मु एक्सप्लेनेशन सहित कहबि। देखो क्वेश्चन एक कोन कहिछि ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर ए जो एट जो किसी एग्जांपल देला आ भितर को गुड़िक मैटर अटे। अच्छा मैटर डेफिनेशन कोन कहिथिली ना जे ऑब्जेक्ट रो मास थिबो एंड वॉल्यूम थिबो कौन थिबो वॉल्यूम थिबो तो मास एंड वॉल्यूम जहाँ थिबो सी हम मैटर आ जार मास एंड वॉल्यूम दुई जाक ना कि गोटे भी ना ताको मैटर कहवा ना तो देखो चेयर एयर लव स्मेल हेट आलमंड्स थॉट कोल्ड लेमन वाटर स्मेल ऑफ परफ्यूम तो आ भितर क्यों गुड़िक मैटर हम क्यों गुड़िक हेनी तो कमेंट बॉक्स रे लिखिबो। देखो क्वेश्चन तुम कौन दे गिव रीजन्स किसी कारण कह अफ दि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन तले किसी ऑब्जर्वेशन दि जाए तार रीजन कह द स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रिचेस यू सेवरल मीटर्स अवे सुगंध युक्त खाद्य स्मेलटा तुम पाखे पहुँच जाए जदिओ से सुगंध युक्त खाद्य ठार तुम बहुत दूर था बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड किंतु किसी थंडा खाद्य अच्छी तार स्मेल तुम पाखे सेते शीघ्र पहुँच ना ये सुगंध खाद्य अर्थ गोटे गरम युक्त सुगंध खाद्य क्या कहुई तो गरम युक्त सुगंध खाद्य तुम पाखे जिते शीघ्र पहुँच जाए थंडा युक्त खाद्य स्मेल तुम पाखे से पहुँच ना तो पचे रिजन कौन अच्छी कहींपर तो जदि आस रूपे कमेंट बक्स लिखे तीन नंबर क्वेश्चन कौन कौन ना ड्राइवर ड्राइवर अर्थ कौन ना जे स्विमिंग पूल स्विमिंग करे डिया डी कैमान ड्राइवर कह जाए तो गोटे ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रो वाटर गोटे ड्राइवरटे सक्षम रोचे पानी भितर पूरा काटिकी जावाई तो यठार ह्विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो तो यठार क्यों मैटर क्यों प्रॉपर्टीटा एठार यूज हला जो मैटर जो प्रॉपर्टीटा कि ड्राइवर को हेल्पफुल कला पानी भितर काटिकी जावाई क्वेश्चन चार कौन कौन ना व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर तो मैटर जो पार्टिकल गुड़िक अच्छे तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन अटे तार गुण कौन कौन अटे तो यह चार क्वेश्चन आंसर निहत रूपे कमेंट बॉक्स रे लिखिबो। एबे देखिबा स्टेट्स ऑफ मैटर मैटर रा अवस्था कौन कौन तो जहाँ मास एवं वॉल्यूम थाए जहाँ को मैटर आम कहे तो तार स्टेट्स अवस्था कौन कौन अटे आसे कहल आम जो पा पीछे जहाँ को इंग्लीश वाटर बोली कहुए वाटर केतोटी अवस्था अच्छी क्लास सिक्स एंड सेवेन्थ तुम अलरेडी पढ़ी आस तीन प्रकार अवस्था अच्छी कौन कौन गोटे हूँ सॉलिड आउ गोटे हूँ लिक्विड आउ गोटे हूँ गैसेस जहाँ को वाटर भेपर कौचे तो वाटर सॉलिड अवस्था कौन कौचे ना आइस कौचे आउ लिक्विड अवस्था कौन कौचे ना से ही इटसेल्फ वाटर तो पानी की ही पानी ही निजे लिक्विड स्टेट अटे आउ गैसेस को कहे वाटर भेपर तो ये प्रकार पानी तीनोटी स्टेट्स अच्छी तो जेकोसी मैटर जेकोसी पदार्थ जो अच्छी तरह
अवस्था केत प्रकार से विषय देखा ऑब्जर्व देख डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स अराउंड यू निज चारिपटे बहुत सारा जो मैटर अच्छी बहुत सारा जो वस्तु पदार्थ अच्छी सेगुड़ को देख व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स से गुड़िकर अवस्था कौन कौन अच्छी तो निहत रूपे सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कथा कहा वी कैन सी आम देखिपर यही मैटर गुड़िक जो गुड़ी कि आम चारिपटे था तो सेनोटी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म रे था तीनोटी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स रे था स्टेट्स तो राज्य नुह अवस्था कथा कहुई कौन कौन तीनोटी स्टेट्स था किसी मैटर सॉलिड स्टेट्स था किसी मैटर लिक्विड स्टेट्स था किसी मैटर गैसेस गैस स्टेट्स था अच्छा किसी कहींपर कि सॉलिड स्टेट्स किसी एग्जांपल दे पार कह ब्रिक इटा ता सॉलिड स्टेट्स अटे लिक्विड आम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीऊे थम्सअप पीऊे ता लिक्विड स्टेट थाए गैसेस कौन कौन गैसेस आम जो एयर को ब्रिथ करे ता भी गैसेस अटे सहित घर जो रोसे है आसी धूआ बाहर ता भी गैस अटे ता सहित पानी भी गरम करे जो बांफ बाहर जहाँ वाटर वेपर कौचे तो ताकि मत गैसेस अटे दिज स्टेट्स ऑफ मैटर एराइज ड्यू टू दि वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दि पार्टिकल्स ऑफ मैटर ये जो गोटे मैटर जो भिन्न भिन्न अवस्था अच्छी भिन्न भिन्न मैटर जो भिन्न भिन्न स्टेट्स अच्छी अवस्था अच्छी किपर अच्छी कौन पर अच्छी ना दिज स्टेट्स ये जो अवस्था गुड़िक ऑफ मैटर तो मैटर जो ये स्टेट्स सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस युड़ एराइज अर्थ सृष्टि होता है कौन पर ना वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दि पार्टिकल्स ऑफ मैटर तो पार्टिकल रे सॉरी जो मैटर रे जो पार्टिकल गुड़िक थाए से कैरेक्टरिस्टिक भिन्न भिन्न थाए ओके तो मैटर रे जो पार्टिकल गुड़िक थाए से कैरेक्टरिस्टिक गुण गुड़िक जेहेतु भिन्न भिन्न थाए से भिन्न भिन्न थी जो भिन्न भिन्न प्रकार स्टेट्स गुड़िक रही थाए बुझिपाल तो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल तो बर्तन आम मैटर जो तीन प्रकार स्टेट विषय पढ़ले सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस तो से कौन कौन सब प्रॉपर्टी अच्छी कौन कौन सब गुण अच्छी से विषय में देखा तो प्रथम कौन आस प्रथम आस सॉलिड स्टेट तापर लिक्विड देन गैस तो भल भाव आम देखा आ बुझाप चेषा करवा सॉलिड स्टेट कौन कौन सब फीचर अच्छी आप एक एक्टिविटी देख कर एक्टिविटी 1.9 तो एक्टिविटी 1.9 करने कौन करा पड़े ना आम किसी आर्टिकल आम किसी इंस्ट्रूमेंट दरकार जमीक गोटे पेन गोटे बुक गोटे नीडल एवं वुडन स्टिक काठर किसी गड़ी आमको दरकार पड़ो तापर कौन करवा से जो आर्टिकल गुड़क आम गोटे नोटबुक रखा एवं से गुड़क स्केच करने चेष्टा करवा अर्थात देख सपोज गोटे गोटे सपोज गोटे आमर बुक साइज सपोज ए प्रकार अच्छी तो आम कौन करवा गोटे बड़ गोटे पेपर नवा से बड़ पेपर सपोज यहाँ सॉरी सपोज यहाँ हूँ गोटे बड़ पेपर यही बड़ पेपर उपर से नोटबुक गुड़ को रखिली देन मोर पेनसिल आनबी पेनसिल बहीटा रखला चारि साइड्रे ड्र करी जो बुक साइज को प्रकार अटे ओके तो ये प्रकार टाणीदेली यापर से जो आम बुक अच्छी बाहर करदेवि तो से बुक सेप को प्रकार मत धरा पड़ेगा से प्रकार मुझे गोटे आर्टिकल आनबी सपोज गोटे पेन आनली तो पेन में सपोज ये प्रकार अच्छे तो आ चारिपट मत ये प्रकार गोटे बाउंड्री देदेवि तो ये प्रकार सब आर्टिकल गुड़ी ड्र करी डू अल दिज हे डेफिनेट सेप से समस्त आर्टिकल कौन डेफिनेट सेप अच्छी कि डेफिनेट सेप निर्दिष्ट सेप अर्थात तर सेप के चेंज हो नमी देख मुझे जो बुक नेली से बुक हूँ गोटे रेक्टांगल सेप्र अच्छी तो यही जो रेक्टांगल सेप्टी अच्छी यहाँ मुझे मत रेक्टांगल सेप तुम्हें मैंने धरले मत रेक्टांगल सेप पृथ्वीर जेकोसी एनिमल हो कि ह्यूमन बीइंग हो धरले मत रेक्टांगल सेप ही आसो तो यहाँ आम कहींपर कि पेन बुक नीडल पीस ऑफ वुडन स्टिक एम गोटे गोटे डेफिनेट सेप अच्छी कहींपर कि आंसर आस येस एम समस्त गोटे गोटे डेफिनेट सेप अच्छी अच्छा डिस्टिंक्ट बाउंड्री अच्छी कि गोटे निर्दिष्ट बाउंड्री निहत रूप एमान भी गोटे गोटे निर्दिष्ट बाउंड्री भी अच्छी फिक्स्ड वॉल्यूम अच्छी कि तो यही जो सॉलिड ऑब्जेक्ट गुड़िकर गोटे गोटे निर्दिष्ट वॉल्यूम अच्छी कि हाँ आंसर आसो येस तो समस्त सॉलिड ऑब्जेक्टर निर्दिष्ट सेप अच्छी बाउंड्री अच्छी ता सहित वॉल्यूम अच्छी व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड पुल्ड और ड्रॉप्ड जदि से ही सॉलिड ऑब्जेक्ट गुड़क आम हामर करवा अर्थात गोटे हाथ टाणी से बाड़ा कि झिकाझिक करवा कि तले पकईवा तो सेगुड़ी कौन हम तो निहत रूप भांगिज नहीं कि आर दिज केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर ये जो
आर्टिकल गुड़िक ने से गुड़िक परस्पर परस्पर डिफ्यूजिंग हे कि अच्छा डिफ्यूजिंग डिफ्यूजिंगटा के शब्द आसी डिफ्यूजन रु आके आम आगे डिफ्यूजन विषय पढ़चे डिफ्यूजन अर्थ कौन थी मन पकेल कल आम पढ़ते प्रिवियस क्लास पढ़ते डिफ्यूजन डिफ्यूजन अर्थ कौन ना सपोज यह हूँ गोटे मैटर यहाँ हूँ आउ गोटे मैटर ए मैटर पार्टिकल अच्छे ए मैटर पार्टिकल अच्छी तो आर पार्टिकल जो परस्पर भितर मिसी जाए से कह डिफ्यूजन कह ओके तो ठीक से प्रकार ये सपोज बुक अच्छी ये सपोज पेन अच्छे आपको मुझ कली आपको बाड़ेली कौन कली हेम्बर पिटिली आपको हेम्बर पिटिली जिकाजी कली पकेली तो आर किसी दाना बाहर आर मत किसी दाना बाहर अच्छा इन्हें परस्पर भितर मिसीजे कि डिफ्यूजन होजे कि तो आंसर आस नो तो आर दिज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू इच अदर तो परस्पर भितर यही सब आर्टिकल गुड़ी कौन डिफ्यूजिंग होपरेंगे कि तो आंसर आस नो आम डिफ्यूजन हे ना ट्राए कंप्रेसींग देम बाय अप्लाइंग फोर्स से मूर फोर्स पकाओ बल पकाओ और कंप्रेस करने चेस्टा कर कंप्रेस कर अर्थ हो दबाइवा जमीक देख सपोज गोटे कागज था से कागज को आम कौन कर हाथ में निज हाथ में धरी दौचे धरीदे से कौन हो मोड़ी मोड़ी हो तो आम से कौन कले ना फोर्स पकड़े कंप्रेस कले कौन कले तो कंप्रेस कले तो ठीक से ही प्रकार ऊपर जो आर्टिकल गुड़िका कौन कौन आर्टिकल थी से पेन हो बुक हो नीडल हो कि जो वुडन स्टिक हो युड़ निजर फोर्स पकई कंप्रेस करने चेस्टा कर तो तुम्हें सक्षम हेल कि कंप्रेस कर तोर आंसर आसो प्रायतः नुह प्रायतः आमे ताको कंप्रेस कर पारे ना कंप्रेस करा बहुत कष्ट अटे ओके तो सॉलिड ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करिया एते इजी नुओ सहित सॉलिड ऑब्जेक्ट रो कौन अच्छी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कौन अच्छी ना से मानक डेफिनेट शेप अच्छी से मानक डेफिनेट बाउंड्री अच्छी से डेफिनेट वॉल्यूम अच्छी से माने इजिली डिफ्यूज हुंती नहीं आउ से मानक कंप्रेस करिया एते इजी भी नुओ तो एगुडी कहू छी सॉलिड स्टेट रो प्रॉपर्टी अटे ऑल द अबव आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड तो ऊपर जो जो पेन ता सहित नीडल ता सहित बुक वुडन स्टिक जो नहीं एगुड़ी सब सॉलिड अटे वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिज हेबे डेफिनेट शेप तो यहाँ कौन थी ना कि निर्दिष्ट शेप थिला किसी निर्दिष्ट बाउंड्री थिला किसी निर्दिष्ट वॉल्यूम थिला दैट इज हेबे नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी आउ से कंप्रेसिबिलिटी अर्थ हो दबेबा तो दबेबाटा बहुत कष्ट अटे से लिखला एटर नेग्लिजिबल बोले बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी अच्छी सॉलिड्स हेबे टेंडेंसी टू मेंटेन देर सेफ कठिन पदार्थर टेंडेन्सी अर्थ हूँ धर्म कठिन पदार्थ गोटे धर्म अटे जे सी तार सेफ को सब मेन्टेन कर तार आकार को सब मेन्टेन कर सी तार आकार को केवल छाड़ ना जिते जदि बाहर जदि किसी फोर्स पकाह हेले सी तार आकार को धरी रखा चेष्टा कर तेणु तापर जो आम अधिक फोर्स पकेबा तो सॉलिड्स मे ब्रेक अंडर फोर्स जदि आम सॉलिड गुड़ को अधिक फोर्स पकेबा तो निहातरे से भांगी जाए कि निजर आकार को चेंज होगा देवे ना सपोज गोटे काठ गंडी अच्छे आम हाथ में बाड़ा कि गोटे चक अच्छे आम हाथ में बाड़ा कि तले पकड़ चेस्टा करवा भाविया जो तले पकड़े हुए तो तार जो सिलिंडर आकृति अच्छी हुए तो कौन आकृति हो पाए ना कि तो यह हूँ सिलिंडर आकृति यह हूँ कौन आकृति तो हुए तो सिलिंडर आकृति कौन आकृति हो पारे भाविक आम चक तले पकेबा कौन से तार आकार चेंज कर कि केवले चेंज कर ना उल्टा से कौन हम ना ब्रेक हो भांगी ओके तो सॉलिड गुड़िकर निर्दिष्ट सेप थाए आने सब चेष्टा करती निजर सेप को मेंटेन कर रखापी तेणु से सेप को चेंज करने चेस्टा करवा किसी फोर्स पकेबा तो से उल्टा कौन हो ना निजक भांगिदेवे कि निजर सेप चेंज होगा देवे ना कि ह्यूमन बीइंग्स कौन गोटे गुण अच्छी कहल जदि से किसी लोभ देखा जाए ना कि तो से गुण को चेंज कर दिने निजर जो पाखे जो भल क्वाटी अच्छी से गुड़क छाड़ापी मत प्रस्तुत हो जाती कि नन लिविंग गुड़िक जमीन से चक हो ये निजर सेप को चेंज करने चेस्टा करती ना केवल चेंज करने को इच्छा भी करती ना हाउ तो पाठ देख ए तो जेहतु सॉलिड गुड़िक निजर सेप को चेंज होगा दिखती ना तेणु आम कहीपर जो सॉलिड सार रिजिड पूरा दृढ़ अटंती रिजिड अर्थ हो दृढ़ कनसीडर दि फलोईंग निम्नलिखित गुड़ी कनसीडर कर चिंता कर देख गोटे रबर बैंड ना रबर बैंड रो फोटो मुझे देखे सारी जो जेको जिनसगुड़ को जो बांधिया जो रबर गुड़ को यूज करा जाए ताको रबर बैंड कह जाए अच्छा रबर को तो आम निजर तार सेप को आम तो चेंज करपर स्ट्रेचिंग कर झिकिकी तो रबर बैंड को तो आम झिकिकी तार सेप को तो आम चेंज करें सी गोटे सॉलिड कि भाविल टी
ये जो रबर बैंड अच्छी ये रबर बैंड को जो आम स्ट्रेच करवा तो ये तो तार सेप को चेंज कर दूँ नहीं कि तो ये रबर बैंड गुड़िक सॉलिड हे ना सॉलिड हे ना ठीक चिंता कल ओके। द्वितीय क्वेश्चन देख व्हाट अबाउट सुगर एंड सॉल्ट चीनी एवं लुण कथा चिंता कर तुम्हें लुण आ चीनी को जिते बड़े कौन से निर्दिष्ट पात्र निर्दिष्ट जार रखुच सी तो से जार आकार धारण करदे भाविल टी लुण को जब आम गोटे सिलिंडर आकृति बॉक्स भितर रखा तो तार आकार कौन हो सिलिंडर आकृति हो जाऊँ एक ताटिया रखा तो से ताटिया आकृति धारण करुच्ची एक गिनार रखा तो सी तो गिनार आकार धारण करुच्चर सुगर आ सल्ट गोटे गोटे सलीड कि आम आगे पढ़ु सलीड गुड़ी रिजिड अटंती सेप को चेंज करती ना कि आम उल्टे देखुचे भाव टिके क्वेश्चन सी देख व्हाट अबाउट स्पून्स स्पून देखीच कि ये हूँ स्पून्स देख स्पून जो अच्छे चाहिए देखते आम प्रेस करवा दबेबा तो सी कौन कर आकार तो बदल दौले एटारे भी स्पून्स गोटे सलीड ना सलीड नुह चिंता कल व्हाट अबाउट स्पून्स इट इज ए सलीड येट वी आर एबल टू कंप्रेस जदि आम स्पून्स को कंप्रेस कर दबे पड़छे तो स्पून्स गोटे सलीड कि जदि हाँ तेज कहीं जदि ना तेज कहीं तो रिजन टे भाविल टे भाव टे भलसे देख आंसर देखा ए रबर बैंड चेंजेस सेप अंडर फोर्स जदि रबर बैंड को रबर बैंड आम सेप को चेंज कर पारे कि जिते आम फोर्स यूज करे कितु जिते आम फोर्स को छाड़े सी पुनर्व कौन हो रिगेन करदे अर्थात पुनर्व निज आकार को धारण करदे आदि आम अधिक फोर्स पकया रबर बैंड उपर तो रबर बैंड कौन हम टे चिंता कल ना छिड़ी नहीं कि इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड जब आम अधिका बल यूज करवा रबर बैंड उपर तेज इट ब्रेक्स तेज रबर बैंड कौन हुए ना छिड़ जाए द सेप अफ इच इंडिविजुअल तो एथर आम आंसर पाइले रबर बैंड हूँ कौन ना रबर बैंड हूँ सॉलिड अटे तो आम लिक्विड कि गैसेस कहीदे ना ओके। द सेप अफ इच इंडिविजुअल सुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड ये जो द्वितीय प्रश्न कौन थी ना सॉल्ट और सुगर को जो आम भिन्न भिन्न जारे भिन्न भिन्न जो बॉक्स रखिले से जार कि बॉक्स बॉक्सर जो आकार धारण करदे तो यठार आम सुगर आउ सॉल्ट को सॉलिड कहाना कहानी तो ये प्रकार प्रश्न थी क्वेश्चन नंबर दुईटा तो तार आंसर आम देखा देख जो चीनी बहुत सारा दाना को आम कौन बॉक्स भर रखुचे तो चीनी बहुत दाना गुड़िक हुए तो से बॉक्स कि जार सेप धारण करपे कि इंडिविजुअल चीनी बा इंडिविजुअल चीनी जो दाना गुड़िक अच्छे से गुड़िक चेंज कर देख इंडिविजुअल दाना देख एठारे जो देखुच देख ये जगह हूँ सुगर अटे तो सुगर देख प्रत्येक दाना को देखा चेस्टा कर ये सब हूँ गोटे गोटे दाना ये दाना गुड़िक कौन सी क्षेत्र में सेप को चेंज करेंगे कि केवे करेंगे ना ओके ओके देख आउ तो पुनर्व कौ स्पूंज हेज माइनट होल्स स्पूंज कौन छोट छोट बहुत होल था छोट छोट कण था जो थे एरी गुड़िक ट्राप हो रोचे एरी गुड़िक से रही था जिते आम स्पूंज को प्रेस कर दबाऊे से ही स्पूंज रो होल रे जो ट्राप होता एरी गुड़िक एक्सपेलड हो एक्सपेलड होबार अर्थ हो बाहरी जावा तो से गुड़िक बाहरी जामें सक्षम होकर कंप्रेस करने तो जेहेतु एठार एरी गुड़िक बाहरी जावा द्वारा से कंप्रेस है तेणु आम कहीपर ना जे स्पूंज गोटे सलीड नुह बोली ओके तो आंसर आज कौन स्पूंज भी गोटे सलीड अटे तो बर्तमान आमर सलीड सेट विषय आम जानदे तो सलीड सेट्र कौन कौन सब प्रॉपर्टी थी ना प्रॉपर्टी थी सलीड सेट्र किसी सेप अच्छी ता सहित से किसी बाउंड्री अच्छी से किसी भल्यूम अच्छी से लेस कंप्रेसिबिलिटी नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी अच्छी आ से बहुत रिजिड अटंती बहुत दृढ़ अटंती तो ये जाक हूँ सलीड स्टेट्र किसी फीचर्स ओके बर्तमान देखा द लिक्विड स्टेट बा तरल अवस्था तो लिक्विड स्टेट्र फीचर्स विषय जानापी आम गोटे आक्टिविटी करा पड़ो तो 1.10 देख किसी पानी नियो किसी रोसे तेल नियो किसी क्षीर नियो किसी जूस नियो ता सहित कोल्ड ड्रिंक नियो तापर कौन करवा ना भिन्न भिन्न सेप्र किसी कंटेनर नियो भिन्न भिन्न सेप्र कंटेनर अर्थ कौन सपोज आम गोटे
ଏହି ଆକୃତିର ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ନେବା, ଏହି ଆକୃତିର ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ନେବା, ଏହି ଆକୃତିର ଏକ କଣ୍ଟେନର ନେବା। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେପ୍ର କଣ୍ଟେନର ଆମେ ନେବା। ତାପରେ ଲେବୋରେଟୋରିରେ ଥିବା ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଗୋଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆଣିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି 50 mm ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେପ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ନେଇଥିଲେ, ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଡ୍ର କରିଦେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ସପୋଜ୍ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଯେଉଁ ଆମେ ଲେବୋରେଟୋରୀ ଆଣିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି 50 mm ଆଣିବା, 50 mm ଏକ ମାପ ଆଣିବା, ଏବଂ ସେଥିରେ ଏ ଯେଉଁ ୱାଟର୍, କୁକିଂ ଅଏଲ୍, ମିଲ୍କ, ଜୁସ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଢାଳିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଥିରେ ସପୋଜ୍ ୱାଟର୍ ଢାଳିଲେ, 50 mm ୱାଟର୍ ଢାଳିଲେ ସେଥିରେ 50 mm, ଏବଂ ତାକୁ ଆଣିକରି ଏଥିରେ ପକାଇଲେ। କେଉଁଥିରେ ପକାଇଲେ ନା, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେନର ଅଛି ସପୋଜ୍ ସେଥିରେ ଆମେ ପକାଇଲେ, ସପୋଜ୍ ସିଏ ଏତିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା, ଓକେ, ଯେତିକି ମୁଁ ଡ୍ର କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ 50 mm ଥିଲା, ଆକୁ ଆଣିକରି ଏଥିରେ ଅଜାଡ଼ିଦେଲେ। କେଉଁଥିରେ ଅଜାଡ଼ିଲେ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଅଜାଡ଼ିଲେ। ତ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ହେଲା। ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଟେନର୍ରୁ ତୃତୀୟ କଣ୍ଟେନର୍ ଆଣିବା, ସେ ସପୋଜ୍ ଏତିକି ଧାରଣ କଲା। ଏବେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଥିଲା, ଦେଖ ତା'ର ଆକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ପାଣିର ଆକାର ଦେଖ କେଉଁ ପ୍ରକାର, ତୃତୀୟ କଣ୍ଟେନର୍ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ତା'ର ଆକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର। ତ ପାଣିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ସେ ପ୍ରକାର କୁକିଂ ଅଏଲ୍, ତା ସହିତ ଜୁସ୍, ମିଲ୍କ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିପାରିବା। ତ ଆମେ ରିଜଲ୍ଟ କ'ଣ ପାଇବା ନା, ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ରହୁଛି, ସେ କଣ୍ଟେନର୍ର ସେପ୍ ଯାହା, ତାହା ଅନୁଯାୟୀ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସେପ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ନିଜର କୌଣସି ସେପ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେମାନେ ନିଜର ସେପ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେପ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ର ବା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ମେଟର୍ ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେପ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ବୁଝିଲ ତ? ଯଦି ନ ବୁଝିଲ ତେବେ ପୁନର୍ବାର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହ, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଉଥରେ ବୁଝାଇବି। ଆଚ୍ଛା, ପାଣିଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଳେ ପକାଉଛେ, ତାହା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ର ଅର୍ଥ ଗଢ଼ିକି ପଳାଇବା, ନାଇଁ କି? ତ ଗଢ଼ିକିରି ପଳାଉଛି। ମେଜର 50 mL ଅଫ୍ ଏନି ୱାନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେନର୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 50 mL କୌଣସି ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ନୁହଁ, ଏବଂ ତାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେନର୍ ଦେଇକରି ତାକୁ ପାସ୍ କରାଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର୍ ରଖ, ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର୍କୁ ନିଅ, ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର୍ ନିଅ। ଡଜ୍ ଦି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ରିମେନ୍ ଦ ସେମ୍? ଏ ଯେଉଁ ପାଣିଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବା ଯେଉଁ ସେପ୍ ଥିଲା, ତାହା କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଲା କି? ରହିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେପ୍ ବି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଲା କି? ରହିଲା ନାହିଁ। ତ ସେପ୍ ଆଉ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟେନର୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ସେପ୍ ଆଉ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ୱେନ୍ ୱି ପୋର୍ ଦ ଲିକ୍ୱିଡ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ କଣ୍ଟେନର୍ ଇନ୍ ଟୁ ଅନଦର୍, ଡଜ୍ ଇଟ୍ ଫ୍ଲୋ ଇଜିଲି? ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର୍ରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କଣ୍ଟେନର୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଢାଳିଲେ, ତାହା ଇଜିଲି ଯାଉଥିଲା ନା ତାକୁ ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା? ଓବିୟସ୍ଲି ଇଜିଲି ଯାଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଅଟନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଲେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସେଟ୍ର। ୱି ଅବଜର୍ଭ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କଲେ ଯେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଫିକ୍ସ ସେପ୍ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଫିକ୍ସ ସେପ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫିକ୍ସଡ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଛି। ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅର୍ଥ ଦେଖ କ'ଣ ନା, ସେମାନେ ଯେହେତୁ କିଛି ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ରିପିଟେସନ୍ କରିଦେଉଛି, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ କଣ୍ଟେନର୍ ନେଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟେନର୍ ନେଇଥିଲେ, ତୃତୀୟରେ ଏ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟେନର୍ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା ରହିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏତିକି ଥିଲା, ତୃତୀୟରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଦେଖ ଇଏ ଯାହା ବି ହଉ, କିଛି ନା କିଛି ତ ଜାଗା ତ ମାଡ଼ି ବହୁଛି ନା, ତେଣୁ ପାଣିର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ କ'ଣ ସେପ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ପକାଉଛେ ତ ଏ ପ୍ରକାର ଆକାର ଧାରଣ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, କିଛି ନା କିଛି ତ ଆକାର ତ ଧାରଣ କରୁଛି, ସେ ହୁଏତ ତା'ର ଆକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆକାର ଧାରଣ କରୁଛି, ତେଣୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିବା। ତ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ର କ'ଣ ଅଛି ନା, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେପ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଲିଡ଼୍ର କ'ଣ ଅଛି ନା, ସଲିଡ଼୍ର ସେପ୍ ବି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଓକେ, ଦେ ଟେକ୍ ଅପ୍ ଦ ସେପ୍ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟେନର୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଦେ ଆର୍ କେପ୍ଟ। ତ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସେପ୍ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ରଖାଯାଏ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଇଜିଲି ଫ୍ଲୋ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ସେପ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ରିଜିଡ଼ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସଲିଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସେପ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ତା ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକା ଫୋର୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା ତ ସେମାନେ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ରିଜିଡ଼ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ନିଜର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ରିଜିଡ଼ ନୁହଁ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେବ ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ହେବ। ତ ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ହେବ କେଉଁଥିରେ ନା, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ଆସିବ ଗୋଟେ ଫିଚର୍ସ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ସଲିଡ଼୍ରେ ଆସିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରିଜିଡ଼ଟା ସଲିଡ଼୍ରେ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼୍ରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ରେଫର୍ 1.4 ଆଣ୍ଡ 1.5।
जो 1.4 आ 1.5 जो एक्टिविटी आम पढ़ी यू दोहराओ तो एथर आम कौन अच्छा 1.4 एंड 1.5 आम कौन पाई पाई सॉलिड मैटर और लिक्विड मैटर पार्टिकल गुड़िक परस्पर को कौन हमें ना डिफ्यूज हमें जमीक जो आम नहीं कौन ना कि वाटर नहीं जो पोटासीयम परमांगनेट पकईते पोटासीयम परमांगनेट संकेत कौन थी ना KMnO4 तो ये पकेला पर KMnO4 पार्टिकल गुड़िक कौन है ना पानी पार्टिकल गुड़िक मिसीगला डिफ्यूज हो गला ना कि तो से पढ़ते लिक्विड और सॉलिड गुड़िक डिफ्यूज हमें द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज वायुमंडल जो गैस गुड़िक अच्छी ऑक्सीजन हो कार्बन डाइऑक्साइड हो हाइड्रोजन हो नाइट्रोजन हो जो गैसेस गुड़िक अच्छी युड़िक डिफ्यूज हूँ आउ कौथे डिफ्यूज हूँ पानी में डिफ्यूज हूँ ताथ एटमॉस्फेयर जो ऑक्सीजन अच्छी जो जो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी ता कौन हुए ना ता वाटर में डिफ्यूज हुए से मिसे डिफ्यूज कह डीजल बोले कह कौन कह डीजल कह तो गैसेस गुड़िक जितेबाला लिक्विड में मिसंती तो आम से कहने डीजल हेले कह डिफ्यूज न कहीं डीजल वाटर लगेगा भल रहा तो दिज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो स्पेशली ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एम डिफ्यूज हूँ कहीं अच्छा जेहेतु लिक्विड रे एक्वाटिक रे पानी में कि एनिमल किसी प्लांट रुहत सर्वाइव बचापी निहत ऑक्सीजन गैस दरकार ता सहित गच प्लांट गुड़िक फूड प्रिपेयर करने कार्बन डाइऑक्साइड दरकार तो निहत एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बॉडी में मिसाइटा निहत दरकार डीजल होगा निहाती दरकार ओके ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ समस्त क्रिएचर ब्रीथ करने ऑक्सीजन आवश्यक करती तो ठीक से प्रकार एक्वाटिक एनिमल माने आवश्यक करती जदि से पानी रही से ब्रीथ करने डीजल होती ऑक्सीजन गैस को आवश्यक करती तेणु आम कंक्लूजन में पहुँच पारा जे सॉलिड हो कि लिक्विड हो कि गैसेस से माने डिफ्यूज कर पारती लिक्विड में अर्थात सॉलिड लिक्विड डिफ्यूज हुए गोटे लिक्विड अनेक लिक्विड डिफ्यूज हुए ता सहित गैसेस लिक्विड डिफ्यूज हुए तो लिक्विड रहा भी गोटे फीचर्स अटे जे गोटे लिक्विड पदार्थ अच्छी से लिक्विड पदार्थ में लिक्विड मैटर में सॉलिड आसिक मिस पार लिक्विड आसिक मिट पार और गैसेस आसिक मिस पार तो यहाँ हूँ लिक्विड तो लिक्विड सॉलिड सहित मिस पारे लिक्विड लिक्विड सहित मिस पारे लिक्विड गैसेस सहित मिस पारे तो लिक्विड जो गैसेस सहित मिसाब ताको आम डीजल बोली आम कहीपर ओके ये देखो गोटे बढ़िया इनफर्मेसन भल गोटे डाटा देला द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स अर्थात लिक्विड जो कौन जिनस मिसे ता अधिका अटे दैट ऑफ सॉलिड्स अर्थात सॉलिड्स रो पार्टिकल गुड़िक परस्पर परस्पर सहित जो रेट रे मिसंती कौन सॉलिड रो पार्टिकल गुड़िक लिक्विड जो मिसे तार रेट ऑफ डिफ्यूजन टा कम रहा क्या अपेक्षा दुईट जदि लिक्विड पदार्थ थी से पार्टिकल जो परस्पर सहित मिसे तो तार रेट ऑफ डिफ्यूजन टा बहुत अधिक आसो ओके यार कारण कौन ना दिस इज ड्यू टू दि फैक्ट दैट इन द लिक्विड सेट जेहेतु लिक्विड सेट रो पार्टिकल गुड़िक फ्रीली मूव करती आउ से ही पार्टिकल पार्टिकल भितर बहुत स्पेस थाए से सेमानकर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन टा बहुत अधिक अटे क्या अपेक्षा ना सॉलिड स्टेट अपेक्षा तो सॉलिड स्टेट रो पार्टिकल गुड़िक परस्पर परस्पर भितर जो रेट रे मिसंती ताटु अधिक अधिक रेट रे मिसंती किए ना लिक्विड गुड़िक जेहेतु लिक्विड गुड़िक रो पार्टिकल गुड़िक भितर पार्टिकल गुड़िक फ्रीली मूव होता सॉलिड अपेक्षा से बहुत क्विकली बहुत शीघ्रतार सह ओके तो ये जहाँ पड़े आम टे रिमाइंड करदे तो सॉलिड स्टेट रो कौन प्रॉपर्टी थिला ना सॉलिड स्टेट रो प्रॉपर्टी थिला जे सेमानकर गोटे निर्दिष्ट शेप अच्छी निर्दिष्ट वॉल्यूम अच्छी कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो अटे आने बहुत रिजिड अटंती लिक्विड स्टेट कौन प्रॉपर्टी थिला जे सेमानकर कौन से निर्दिष्ट शेप नहीं किंतु निर्दिष्ट वॉल्यूम अच्छी तथा से माने फ्लुइड अटंती से मानक रिजिडिटी नहीं ओके तो रिजिडिटी नहीं फ्लुइड अच्छी सेप ना किंतु वॉल्यूम अच्छी ता सहित लिक्विड स्टेट पार्टिकल गुड़िक रेट ऑफ डिफ्यूजन टा बहुत अधिक अटे क्या अपेक्षा ना रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड मैटर्स तो ये आम जानले तो नेक्स्ट क्लास में तो गैसेस विषय पढ़ा तो आज ये था।